focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class business. Big Tech. तबके तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य यानी गुरु थे। तक्षशिला जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वो 2000 साल पहले अध्ययन अध्यापन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का मूल शब्द है राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? राजा कहें या शासक, उसकी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? इसे आज से लगभग 2300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया था। कौटिल्य राजा को एक राज ऋषि के तौर पर देखते थे। सुख का मूल क्या है आचार्य? आपने हमें बताया है, सुखस्य मूला धर्म। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल अर्थ है। अच्छा, तुम बताओ राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। चाणक्य को राजा नहीं, एक ऐसा राजा चाहिए था, एक ऐसा शासक चाहिए था जो ऋषि जैसा हो। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़ी घोषणा की। राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। राज्य का विधान शास्त्रों के विधान के ऊपर है। राज्य धर्म न्याय के आधार पर चलेंगे। न्याय के वैराज्य, वैराज्य बिना राजा का राज्य, ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों को छीन लेता है, उन्हें अपना नहीं समझता, उन पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनका विक्रय कर देता है।
इसे रोका कैसे जा सकता है आचार्य? इसे रोका ही नहीं जा सकता, इसे पराजित भी किया जा सकता है। वो कैसे आचार्य? यदि देश के निवासी उस विदेशी राजा का विरोध करें तो उसे भागना ही होगा। सिकंदर को हमें पराजित करना ही होगा, ये हम सबका उत्तरदायित्व है, सबका। चाणक्य जिस समय तक्षशिला में विदेशी शासन से होने वाली समस्याओं के बारे में छात्रों को पढ़ा रहे थे, उन्हीं दिनों एक के बाद एक देश पर कब्जा करता हुआ मैसेडोनिया का सम्राट सिकंदर तृतीय भारत की तरफ बढ़ता। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहा गया। फारस पर कब्जा करने के बाद उसकी नजर भारत पर थी। सिकंदर के सामने भारत का पहला राज्य था गांधार, जिसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके आते हैं। उस वक्त गांधार का राजा आम्भी था। आम्भी ने सिकंदर की सेना को रोकने की कोशिश नहीं की और राजा आम्भी ने बगैर विरोध के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली।